सुप्रभात बच्चों, मैं आज महानगर गर्ल्स इंटर कॉलेज कक्षा 11 का प्रथम चैप्टर जो है माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, जो बुकर टी वॉशिंगटन द्वारा लिखा गया है, इस चैप्टर के साथ आप लोगों के समक्ष आया हूँ। ठीक है, मैं आज इसको एक्सप्लेन करूंगा। आप बुक को रीडिंग लगा के पढ़िएगा, ठीक है, और कोई अगर दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दूं, जो उस पाठ के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जो बुकर टी वॉशिंगटन थे, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है, जो मतलब खुद से लिखी हुई गाथा है कि उनका स्ट्रगल किस तरह एजुकेशन के लिए हुआ है। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष, ठीक है, फॉर एन एजुकेशन। एजुकेशन मतलब होती है शिक्षा, ठीक है, शिक्षा के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, इस पाठ में उन्होंने अपनी ही जो है कहानी का वर्णन किया है। ठीक है, तो देखिए वो एक निग्रो थे। निग्रो मतलब व्हाइट और ब्लैक, दो तरह की मतलब वहां पे जो है जातियां होती थी अमेरिका में, ठीक है, मेनली, ठीक है। तो वो जो है निग्रो से मतलब जो कलर्ड होते हैं, कलर्ड मैन, ठीक है, जो ब्लैक मैन होते हैं उनको निग्रो बोला जाता है, ठीक है, वो उस प्रजाति से आते थे। और उनको उसके बाद मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ कि जो बुकर टी वॉशिंगटन थे वो एक कोल माइन में काम करते थे, कोयले की खदान में, ठीक है। वहां पे दो मजदूरों को उन्होंने बात करते हुए सुना इस इंस्टीट्यूट के बारे में, नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। ये शिक्षा के प्रति इनकी रुचि बहुत ज्यादा थी, ठीक है, तो ये उसके ऊपर तुरंत जो है उनकी बातों को वो चोरी से सुनने लगे। और उन्होंने एकदम ध्यान देकर सुना कि ये स्कूल, ये कॉलेज कहाँ पर है और इनको कैसे वहां तक पहुंचना है। इससे पहले वो इस तरह के किसी भी कॉलेज इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं सुने थे जो सिर्फ निगरो के लिए था, ठीक है। ये उनको दुनिया की सबसे सुंदर और सबसे अच्छी जगह प्रतीत हो रही थी उस समय के लिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अपना मन बनाया, ठीक है, और ये वहां से जाने की कोशिश करने लगे। कहां से और कहां तक मैं आपको बता दे रहा हूं। इनको मेल्डन, ठीक है, मेल्डन उस जगह का नाम था जहां ये कोल माइन थी और जहां पे ये रहते थे, ठीक है। वहां से इनको जाना था हैमिल्टन, ठीक है, कहां जाना था हैम्पटन, ठीक है। इसकी दूरी कितनी थी, 500 मील, ठीक है। उन्होंने अपनी पढ़ाई कब मतलब उस चीज के लिए जाना कब शुरू किया, मतलब हैमिल्टन के लिए जाना कब शुरू किया, 1872 में, ठीक है। अब उनको यहां से यहां तक जाना है, मतलब मेल्डन से हैमिल्टन तक उनको जाना है, ठीक है। कहां पे जाना है, इनको जाना है नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, ठीक है, जहां पे ये अपनी आगे की शिक्षा को ग्रहण करेंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या थे, बहुत गरीब थे, इनके पास पैसों की बहुत कमी थी और ये जो है इनके पास काफी पैसे भी नहीं थे, इनके पास कपड़े भी बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने मन बना लिया और 1872, ठीक है, में ये अपनी यात्रा के लिए निकल पड़े। इन्होंने अपनी माँ से जो है पहले मतलब आज्ञा ली और अपने भाई, जो इनके भाई का नाम था ब्रदर, ठीक है, उनका नाम था जॉन, उनसे भी ये मदद की आशा किए और उनको इनको मदद भी हर संभव मदद दी गई। लेकिन ये इतना काफी नहीं था कि वो जो है इस एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट पे पहुंच पाए जो हैमिल्टन में था, क्योंकि पैसे बहुत कम थे। लेकिन फिर भी इन्होंने यात्रा शुरू की, ये कई दिनों तक पैदल चले, बहुत सारी मोटर गाड़ियों से इन्होंने लिफ्ट मांगी, लिफ्ट मांग कर पैदल चलकर घोड़ा और गाड़ी से, रेल से, किसी तरह जो है ये कहां पहुंच गए, ये पहुंच गए वर्जीनिया, ठीक है। वर्जीनिया एक शहर था जहां पे ये पहुंच गए आखिरकार, ठीक है। वहां पहुंचने के बाद इनको बहुत विचित्र सा लगा, ठीक है, क्योंकि नया नया शहर, अब आप भी कहीं अनजाने शहर में जाए तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा ना, तो वैसे इनको वर्जीनिया पहुंचने के बाद थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वहां नए लोग, नए गाड़ियां और इनका पैसा जो है पूरी तरह से खत्म हो चुका था और ये एकदम थक चुके थे, ठीक है। जो इनके मेंडन से जो वर्जीनिया की दूरी थी वो लगभग 82 किलोमीटर थी, ठीक है, 82 मील्स थी वो जो है मेंडन से वर्जीनिया की, ठीक है। कहां जाना था, मेल्टन से हैमिल्टन जाना था और अभी कहां पहुंचे हैं, वर्जीनिया ही पहुंचे हैं, ठीक है। अब वर्जीनिया से कहां जाना है, हैमिल्टन जाना है, 500 किलोमीटर है ये, अभी कितना पहुंचे हैं, सिर्फ 82 किलोमीटर, ठीक है। तो इन सब चीजों को याद रखिएगा, ठीक। तो अब ये वर्जीनिया पहुंच गए, वहां नए लोग, खाने के लिए पैसा, एकदम फटे चिथड़े कपड़े
और एकदम कई दिन से नहाए नहीं है, थक भी गए हैं, खाना भी नहीं है खाने के लिए, कुछ भी नहीं है इनके पास, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, वहां पे गलियों में घूमते हैं, नए नए रास्तों से ये और थक जाते हैं और इनका जो है शरीर जो है अब जवाब देने लगता है। तो ये सड़क के किनारे जो है रेंग कर, ठीक है, इतने थक जाते हैं कि वो वहीं लेट जाते हैं और रेंग कर जो है एक छोटे से दरार के बीच में स्ट्रीट मतलब सड़क के किनारे जो है ये जो है वहां पे जाके अपने आप को छुपा लेते हैं, मतलब वहीं रख लेते हैं, ठीक है। और ये सोने की वहां कोशिश करते हैं, लेकिन जब ये सोने की कोशिश करते हैं तो इनको ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों के जो चलने की आवाज है, जो लोग चल रहे हैं रोड पर, वो इनके ऊपर से ही चल रहे हैं, क्योंकि इतने थक हारे रहते हैं कि उनके जो फुटपाथ की आवाज रहती है उनको ऐसा लगता है कि वो लोग मेरे ऊपर से ही चल रहे हैं, ठीक है। फिर भी जो है इनको किसी तरह नींद आ जाती है, किसको, बुकर टी वॉशिंगटन को, ये अपनी गाथा सुना रहे हैं, ठीक है। किस लिए, स्ट्रगल फॉर एजुकेशन के लिए, कहां से कहां जाना था, मेल्टन से हैमिल्टन, अभी कहां पहुंचे हैं, वर्जीनिया, जहां वो थक हार कर लेटे हुए हैं एक स्ट्रीट पर, एक सड़क के किनारे, जहां पे लोगों की थपथपाने की आवाज, चलने की आवाज ऐसा लग रहा है कि उनको, उनके ऊपर कोई चल रहा है, उनके सर के ऊपर कोई चल रहा है, इतना वो थक चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद जब ये अपनी सारी थकान को मिटाने के लिए जब ये सोते हैं तो इनको अच्छी नींद आती है, और नींद के बाद जब ये सुबह उठते हैं तो ये क्या पाते हैं, अपने आप को थोड़ा तरोताजा पाते हैं, लेकिन इनको भूख बहुत ज्यादा लगी रहती है, कई दिनों से इन्होंने खाया नहीं रहता और इनके पास पैसे भी एकदम खत्म हो चुके रहते हैं, ठीक है। तो जहां पे ये सोए रहते हैं उसके सामने, ठीक है, एक बहुत बड़ा जहाज रहता है, ठीक है, जहां पे लोहे का सामान जो है वहां से उतर रहा होता है, ठीक है। ये तुरंत उस जहाज के पास पहुंच जाते हैं, ठीक है, और बोलते हैं कि कैप्टन के पास जाते हैं जो एक इंग्लिश मैन रहता है, ठीक है, और उससे बोलते हैं कि सर मुझे प्लीज यहाँ पे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि सर मुझे प्लीज यहाँ पे काम करने दिया जाए, और काम करने दिया जाएगा तो मैं जो है आपका बहुत मतलब आभारी रहूंगा, मुझे खाने के लिए कुछ मिल जाएगा। वो इंग्लिश जो कैप्टन रहता है वो बहुत ही दयालु रहता है और उसको काम पे रख लेता है। उसके बाद ये बहुत दिनों तक वहां काम करते हैं, पैसे को किसी तरह बचाते हैं ताकि ये कहां पहुंच सके, वर्जीनिया पहुंच सके, अरे वर्जीनिया से हैमिल्टन पहुंच सके, वर्जीनिया से कहां पहुंच सके, हैमिल्टन पहुंच सके, ठीक है। उसके बाद फिर वहां पे ये बहुत ज्यादा पैसे नहीं बचा पाते थे क्योंकि इनको कम ही पैसे मिलते थे मजदूरी के, और इनको जो है उसमें बचाना भी था और अपना खाना भी खाना था, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, फिर से जो है रोड पर ही सोना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया, यहाँ पे काम करते गए और उनका, इनके काम से जो है उन, जो शिप का कैप्टन था वो बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने बस एक ही दिन के लिए काम मांगा था, लेकिन उसने कहा कि तुम जो है यहाँ पे रोज काम कर सकते हो, ठीक है, इतना ये उनके काम से खुश हो गया था। उसके बाद जैसे जैसे दिन बीतते गए इनके पास पैसा थोड़ा बहुत आ गया। उसके बाद जब पैसा इनके पास आ गया, किसके पास, बुकर टी वॉशिंगटन के पास, कहां जाना था इनको, जाना था हैमिल्टन, कहां से चले थे, मेल्टन से, और मेल्टन से कहां पहुंचे थे, अभी वर्जीनिया, जहां पे ये काम कर रहे थे, किसके साथ, एक शिप पे, किसका काम कर रहे थे, एक लोहे से भरा हुआ जहाज था, कच्चे लोहे से उसको उतारने का काम कर रहे थे, लेबर वर्क, ठीक। उसके बाद जब ये वहां से उनको मतलब पैसा थोड़ा बहुत कलेक्ट हो गया तो उस कैप्टन से ये बोलते हैं, इंग्लिश कैप्टन से, कि सर अब जो है मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा और आपका मैं बहुत आभारी हूँ। उनको धन्यवाद करते हैं और बिना किसी कठिनाई के ये कहाँ पहुंच जाते हैं, अब हैमिल्टन पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब हैमिल्टन की जो कच्ची ईंट की दीवारें, जो तीन मंजिला जो ये बिल्डिंग देखते हैं, उसको देखकर ये खुश हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और इनको लगता है कि धरती पर अगर सबसे बड़ी और सबसे अच्छी और सबसे सुंदर कोई मतलब वो है, मतलब बिल्डिंग है, तो ये यही है और यही, ठीक है। वो अंदर घुसते हैं और कक्षाओं को देखते हैं। उसके बाद वहां पे जो है एडमिशन लेने के लिए एक मुख्य अध्यापिका रहती है, ठीक है, तो वो उनके पास जाते हैं। इनकी हालत जो है बहुत ही दयनीय रहती है, फटे पुराने कपड़े, गंदे कई दिनों से ये नहाए नहीं, एकदम गंदे रहते हैं, बाल वाल एकदम मतलब कटवाए नहीं रहते हैं, तो एकदम जंगली टाइप के लगते हैं। तो ये सब देखकर जो है इनकी जो पहली छवि रहती है वो थोड़ी सी बिगड़ जाती है उस शिक्षिका के सामने। वो देखते हैं कि उनके बोलने के बाद भी जो है वो शिक्षिका कोई भी जवाब नहीं देती है, कि वो बोलते हैं कि मुझे एडमिशन चाहिए, तो वो शिक्षिका कोई जवाब नहीं देती है, और उनके सामने ही वो कई बच्चों को क्या कर देती है, एडमिशन दे देती है। ये सब देख कर वो और विचलित हो जाते हैं कि क्या मुझे यहाँ पे एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये करते करते एक घंटा बीत जाता है, तो उसके बाद जो है वो शिक्षिका जो है इनसे बोलती हैं कि
जाओ बगल में जो है एक संगीत का कमरा है, मतलब जहां पे संगीत सिखाया जाता है उस वो रूम है, वहां पे जाओ और अच्छे से जो है झाड़ू लगा देना, वहां पे मुझे एक भी धूल नहीं मिलनी चाहिए। अब वो ये सोचते हैं कि यही मेरी क्या है, परीक्षा, ठीक है, अगर मैं इस परीक्षा में पास हो जाता हूं तो हो सकता हो मुझे इस कॉलेज में दाखिला मिल जाए। वो जाते हैं कमरे में, एक एक बेंच और फ्लोर पे तीन तीन बार जो है झाड़ू लगाते हैं, मतलब जमीन पर वो तीन तीन बार झाड़ू लगाते हैं, चार बार कम से कम पोछा लगाते हैं, टेबलों पे तीन चार बार पोछा लगाते हैं, जो लकड़ी के दरवाजे रहते हैं उस पे वो तीन चार बार पोछा लगाते हैं, दीवार के हर एक कोने पे वो पोछा लगाते हैं तीन से चार बार, और एकदम उसको जो है क्लीन कर देते हैं, पूरी तरह से स्वच्छ कर देते हैं, कहीं भी धूल का एक भी कण जो है वहां पे नहीं रहता है। उसके बाद वो जाते हैं और उस शिक्षिका को बताते हैं कि मैडम जो है कमरा एकदम साफ हो चुका है। वो भी जो है नॉर्थ अमेरिका की रहती हैं, जो लेडी रहती हैं, जो हेड मास्टर रहती हैं वहां की, जो मतलब मुख्य अध्यापिका वो आती हैं, वो नॉर्थ अमेरिका की रहती हैं, तो उनको पता रहता है कि धूल कहाँ छुप सकती है। वो पहले अपना हाथ जो है बेंचेस पे मारती हैं, जो बेंच वहां रखे रहते हैं, और उसके फिर अपना रुमाल निकालती हैं और उसको जमीन पर और दरवाजे लकड़ी के दरवाजे रहते हैं उस पे रगड़ती हैं, लेकिन उनको एक भी कण धूल का नहीं मिलता। उसके बाद वो निर्णय लेती हैं कि इनको जो है ये जो है इनको एडमिशन दे दिया जाए, बुकर टी वॉशिंगटन को, जो इतनी मेहनत से यहाँ पे आए हैं। उसके बाद फिर ये कई कक्षाओं को पास करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स को पास करते हैं, लेकिन इनका कहना ये है कि इनकी सबसे बड़ी जो परीक्षा रहती है वही परीक्षा रहती है जब इनको जो है वो फ्लोर साफ करने के लिए दिया गया था और उनको एडमिशन मिला। ठीक है, तो ये इनका जो है स्ट्रगल है एजुकेशन के लिए। आजकल की आप देखते होंगे बच्चों को आसानी से भी शिक्षा दी जाती है तो वो टाल मटेल करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, अच्छे से पढ़ते नहीं, लेकिन देखिए कि ये व्यक्ति जो है इतनी कठिन परिश्रम करके जो है अपनी शिक्षा को प्राप्त किया और आज आप लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान दीजिएगा, इसका नोट्स मैं आपको दूंगा, जो वर्ड मीनिंग्स आपके बुक में दिए हुए हैं आप उसको याद करिए। ठीक है, उसके मदद से आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे, जो मीनिंग्स मिल जाएंगे, और अगले चैप्टर से मैं आपको वर्ड मीनिंग पहले यहाँ पे लिखूंगा उसके बाद समझाऊंगा, ठीक है, चैप्टर को। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। ठीक है, थैंक यू।